कि देखो अगर हम इस संसार में रह रहे हैं, भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो हमें भौतिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, वरना हम अपने शरीर को कैसे निर्वाह करेंगे। इस शरीर को निर्वाह करने के लिए भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान हमारी मंजिल नहीं है। जैसे हम अगर किसी सफर पे जा रहे हैं तो मंजिल तक पहुंचने से पहले भी हमको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर रात आएगी, वहां पर हमको ठहरना है, लंच यहाँ करना है, ब्रेकफास्ट यहाँ पर करना है, डिनर यहाँ पर करना है, यहाँ पर रेस्ट करना है। तो ये सारी योजना तो बनानी पड़ेगी, लेकिन ये योजना ही हमारा उद्देश्य नहीं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मंजिल तक पहुंचना। तो ये भौतिक विद्या केवल योजना बनाने के लिए कि हमको हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति, वो हमारे जीवन का उद्देश्य है।